हसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अगर मार्ग में कोई बाधा ना आए तो समझ लेना मार्ग ही गलत है। नमस्कार, मैं हूं रागिनी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। भारत में कई संत हुए हैं जिनके ज्ञान से यह भूमि उज्जवल और भक्तिमय हुई है। आज हम एक ऐसे ही संत के बारे में आपको बताएंगे जिनका आज जन्मदिन है। रामकृष्ण परमहंस, जिनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, यह 18 फरवरी 1836 में पैदा हुए। काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। यह अपने पिता के साधारण व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। इनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ। रामकृष्ण परमहंस, जो परमहंस की उपाधि है, यह उसे दी जाती है जिसके पास अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो और असीमित ज्ञान हो। बचपन से ही इन्हें पूर्ण विश्वास था कि कठोर तपस्या और साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह सभी धर्मों में विश्वास रखते थे क्योंकि सभी धर्मों की एक ही शिक्षा थी, मानवता के पथ पर चलना। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थान पर इन्हें काली माँ के मंदिर में पुरोहित का कार्य दिया गया, जहां से इन्होंने नित्य माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। मात्र 20 वर्ष की उम्र में इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण परमहंस के विचारों को गति देने के लिए विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना करी ताकि उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए। यह संस्था विश्व भर में जन कल्याण के लिए कार्य करती है। रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा बोले गए कुछ अनमोल वचन, खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि नहीं पड़ती, उसी प्रकार बुरे मन में भगवान की कभी मूरत नहीं बनती। उनका दूसरा अनमोल वचन यह था कि विषयक ज्ञान मनुष्य को सीमित करता है, मानव बुद्धि को सीमित करता है और उसे घमंडी बनाता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।